नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले वर्ग 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की उम्र को आज से राहत का टीका लगने की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो गई है। कहने को देश में अन्य राज्यों में यह अभियान 1 मई से शुरू हो गया है, लेकिन वैक्सीनेशन की आपूर्ति न होने के चलते देर से ही सही, लेकिन आज से टीकाकरण का यह काम 18 वर्ष की उम्र से लेकर 44 वर्ष उम्र तक के लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। बात वैक्सीनेशन की करें तो औपचारिकता मात्र से ही आज इस नई उम्र वर्ग के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है, क्योंकि शहर में मात्र एक टीकाकरण केंद्र 18 से 44 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें प्रतिदिन सिर्फ 100 हितग्राहियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। टीका लगवाने आए युवाओं में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला है और उन्होंने आम लोगों से बढ़ चढ़ कर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने और उसे समय पर लगवाने की अपील की है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जिलों में लग रहा है और कितने को लगेगा? देखिए, अभी जो पहला दिन हमारे यहाँ शुरू हो रहा है हमारे प्रदेश में, तो जबलपुर संभाग में जो 7 जिले हैं उन सभी के जिला केंद्रों पर 100-100 लोगों को वैक्सीन लगाने का आज अभियान शुरू किया गया है। 11:30 बजे मुख्यमंत्री जी जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनसे चर्चा भी करेंगे, और इसके अलावा अब कल भी 100-100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होती जाएगी ये क्रम आगे हम बढ़ाएंगे और केंद्रों की संख्या भी बढ़ाएंगे और प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जो वैक्सीन है वो लगाने का प्रयास करेंगे। शुरुआती दौर में 100 लोग को वैक्सीन लगाई जा रही है, वजह क्या? दो दौर में सर? नहीं, देखिए दोनों चीज़ें होती हैं कि प्रारंभिक दौर में संख्या कम इसलिए रखते हैं कि वैक्सीन की उपलब्धता भी बनी रहे, जिससे रोज वैक्सीनेशन जारी रहे। सर, जबलपुर में किस तरह के शुरुआत की गई है आज और कितने लोगों को क्या पालन किया जा रहा है? जी देखिए, क्या है कि कल वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होना था, 5 मिनट में 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया और वो लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर बराबर कोशिश की जा रही है क्रम से वैक्सीन लगाने का, उसकी एक रजिस्ट्रेशन लिस्ट है और आप देख ही रहे हैं कि उस क्रम से उनको बुलाया जा रहा है, जिससे किसी को कोई भी तकलीफ ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार हिदायत दी जा रही है, क्योंकि देखिए ये ऐसे ग्रुप है 18 से 45 साल वाला जो यंग जनरेशन कहलाता है, इन्हें खुद ही इतनी समझ है और ये जानते हैं, और सबसे बड़ी संख्या हमारे देश में इसी उम्र के लोगों की है, इसलिए जितनी जल्दी इनका टीकाकरण हो जाएगा कोरोना को, जैसा आपने आज पढ़ा भी होगा कि विदेशों में इसी उम्र के लोगों को 20% लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है, इसलिए संक्रमण दर तेज़ी से घट गई है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपना टीकाकरण कराएं। अभी फ़िलहाल में एकमात्र यही रास्ता है जिससे हम संक्रमण से बच सकते हैं, और टीकाकरण के बाद उन सभी नियमों का पालन जारी रखें, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ हाथ धोना। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।